बाड़मेर में एक दिन पहले ही शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खरा द्वारा निरीक्षण के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाने के बाद मंगलवार को नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आई। नगर परिषद की टीम ने महावीर नगर में आदर्श स्टेडियम के पीछे बने अवैध कचरा संग्रहण स्थल से कचरे का निस्तारण किया। नगर परिषद की टीम ने गाड़ियों में कचरे को गेहूं रोड स्थित कचरा डिपो भिजवाया। बाड़मेर में एक दिन पहले ही शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा निरीक्षण के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाने के बाद मंगलवार को नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आई। नगर परिषद की टीम ने महावीर नगर में आदर्श स्टेडियम के पीछे बने अवैध कचरा संग्रहण स्थल से कचरे का निस्तारण किया। नगर परिषद की टीम ने गाड़ियों में कचरे को गेहूं रोड स्थित कचरा डिपो भिजवाया। दरअसल नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा अपने एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को बाड़मेर पहुंचे थे। उन्होंने सोमवार को दोपहर करीब 4 बजे उन्होंने श्री मल्लीनाथ सर्किल पर आयोजित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों को लताड़ लगाई थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार हर घर कचरा उठाने के लिए संसाधन भेज रही है, लेकिन यहाँ एक जनप्रतिनिधि की शिकायत आई कि उनके घर के पास एक कचरा पॉइंट बना दिया है। यह कचरा बिखरा रहता है, इससे गंदगी फैल रही है। उन्होंने कहा था कि यह कचरा पॉइंट तत्काल स्टोर में जमा हो जाना चाहिए। मंत्री की लताड़ के अगले ही दिन मंगलवार को नगर परिषद की टीम एक्शन में नजर आई। आयुक्त विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम महावीर नगर पहुंची, जहां आदर्श स्टेडियम के पीछे बने अस्थायी कचरा पॉइंट से सारा कचरा वाहनों के जरिए उठाया गया और गेहूं रोड स्थित कचरा संग्रहण केंद्र भिजवाया गया। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सख्त निर्देशों के बाद नगर परिषद के अधिकारी चेते और आखिरकार एक दशक से भी ज्यादा समय से आदर्श स्टेडियम के पीछे महावीर नगर में बने मनमर्जी के कचरा पॉइंट का निस्तारण किया गया। इस अस्थायी कचरा पॉइंट को लेकर आसपास के बासिंदा ने नगर परिषद को कई बार शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। लेकिन सोमवार को मंत्री द्वारा लताड़े जाने के एक दिन बाद ही मंगलवार को कचरा पॉइंट का निस्तारण कर दिया गया।